क्या केमिकल तुम्हारे स्वागत है। तो फिलहाल हम जा रहे गायमुख का, तो मैं मेरे दोस्त के बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, उसको कॉल कर दिया मैं, बोला जल्दी से आ जा नीचे, बारिश भी हो रही है। तो फटाफट गायमुख को आज जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और उसके सामने ही खाड़ी भी है, और उस खाड़ी में कुछ स्पेशल है, जैसे कि बोट। उस बोट पे हम खाना वगैरह भी, मतलब खाने का ऐसा कुछ है उसके अंदर। तो मैं जल्दी से यहाँ से हम लोग निकलते हैं, वो जैसे आप है आपको दिखाते हैं उसमें क्या है कैसा है। पहले गायमुख जाएंगे, जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है भोलेनाथ जी का, वहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं, फिर वहाँ का कुछ व्यू वगैरह बताते हैं। बाय बाय। बाहर क्या बारिश था, इस वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। तो वो मैं लोटा स्प्लेंडोरा में रहता है, तो मैं लोटा स्प्लेंडोरा में आ चुका हूँ। उसको मैंने कॉल कर दिया, मैं बोला तेरे बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, डी विंग के नीचे, तो आ गया। तो वो जैसे ही आता है तो हम बाइक लेके यहाँ से निकलते हैं सीधा गायमुख की ओर। और बारिश अच्छा खासा है, unknown brain Marvin Divine and we back. Can't nobody tell me nothing, made it through the wind and rain. तो वो भाई आ चुके हैं, थोड़ा कैमरा शाय है तो मैं उनका फेस वगैरह नहीं बताऊंगा। तो सीधा निकलते हैं अभी यहाँ से गायमुख के लिए, बाइक वगैरह चालू करके। तो चलो मिलते हैं सीधा गायमुख के वहाँ पे, तब तक के लिए बने रहिए, अच्छे अच्छे नज़ारे मैं आपको बताते रहूँगा। बाय बाय। हल्की बारिश होना चालू हो चुकी है और काफी है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ब्रिज कब कंप्लीट होगा पता नहीं। सामने जो दिख रहा है वो हीरानंदा की खाने का। खाना का ट्रैफिक मिलते हुए हमें इतना ट्रैफिक, ये एक दिन ना एक दिन अभी ये वेस्टर्न पट्टा जरूर बनेगा। जैसे वेस्टर्न में ट्रैफिक होती है वैसे यहाँ भी ट्रैफिक होना चालू हो गई है। बहुत मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक कर देते लोग, समझ में नहीं आता। आगे तो पूरा खाली दिख रहा है, फिर पता नहीं अभी आगे। काले काले बादल हो चुके हैं पूरे, बारिश की संभावना है। देखना अब ये टाइम पे बोले तो इतना ट्रैफिक है, बोले तो यार
वो भी संडे ऊपर से। सुंदर रोड है जो अभी डेवलप होना काफ़ी बाकी है, देखो जल्दी डेवलप हो ही रहा है वैसे तो, ये पूरा डेवलप होना बाकी है। अच्छा कुछ है ये घोड़बंदर रोड है, सीधे सीधे हम यहाँ से जाएंगे तो गायमुख के लिए सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ से बस जाना है ऐसा सीधा स्ट्रेट और गायमुख आ जाएगा। तो बस अभी हमें इस रोड पे जाना है, आगे ये सर्विस रोड मार के हम उस रोड पे निकल जाएंगे, फिर सीधा पहुँच जाएंगे हम। तो चलो अभी वहाँ नज़दीक जाके ही बताते क्योंकि थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पर। चलो बाय। ये इस प्रकार का है यहाँ का, तो ये गायमुख चौपाटी के इधर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है अच्छी खासी पब्लिक है, लगा नहीं था कि कोई पब्लिक होगी इतनी सारी, शायद सामने बोट है वहाँ पे ही वो लंच डिनर वगैरह का रहेगा। तो पीछे ये गायमुख की चौपाटी है, यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक है, देख सकते हैं आप व्यू कितना बढ़िया है। मैंने सोचा नहीं था इतनी सारी पब्लिक होगी, पर कुछ ज़्यादा ही पब्लिक है। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे, यहाँ पे एक बोट है मेरे पीछे साइड में, वही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें खाना वगैरह भी अंदर मिलता है, शायद बीच साइड में किधर लेके जाते हैं और वहाँ पे खाना वगैरह है। लेकिन सुना भी एक्सपेंसिव भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन ठीक है अगर कुछ नया मतलब कुछ बीच में पानी में बोट पे लेके जा रहे हैं तो फिर खाना तो ऑब्वियसली महंगा तो रहेगा। टेस्ट वगैरह का तो पता नहीं, मैं खुद भी कभी गया नहीं हूँ। चलो फिर अभी यहाँ से फिर हम निकलने के बाद सीधा वहाँ पर जाएँगे, तब तक आप कुछ टाइम लैप्स वगैरह देख लीजिए यहाँ के और कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे भी मैं दिखा देता हूँ तब तक के लिए। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad y más, ay, ay. A beautiful view. अंदर वाला हाईवे है, जैसे ये हाईवे से आप थाने के रूट पे जाओगे तो यहाँ पे ही स्वर्गीय बाड़ा साहेब ठाकरे गायमुख चौपाटी आएगी और सामने के साइड में ही गायमुख मंदिर है। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए भी आपको मिल जाएगा पानी पूरी सेव पूरी चाट वगैरह एंट्रेंस करते हुए राइट साइड में, और अंदर होटल भी है। ये सीधा थाने के रूट में जाएगा, ये सीधा बोरीवली वो साइड के रूट। ये कुछ हरा भरा ग्रीनरी, और ये मेरे लेफ्ट साइड में ही चौपाटी है, यहाँ से थोड़ा गांव के लिए रास्ता जा रहा है और वो साइड में थोड़ा सिटी टाइप है पूरा। और यहाँ पे मैंने अभी दो नेवले देखे, नेवले लेकिन भाग गए वापस से अंदर, यहाँ पे मतलब सांप वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस है। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे इतना कुछ देखने के लिए बचा नहीं है तो हम जाते सीधा गायमुख मंदिर, तो आपको वहाँ पे जाके सीधा गायमुख मंदिर दिखाते हैं। चलो आगे ही हम पहुंचने आए हैं गायमुख टेंपल, सामने ऊपर जो दिख रहा है वही मंदिर है। ये सामने एंट्रेंस है, ये ऊपर से चढ़ के जाना है हमें, ये पूरा चढ़ के निकलना है हमें यहाँ से ऊपर, पता नहीं है चढ़ते हैं। तो ये सामने जो दिख रहा है वही गायमुख मंदिर है, चलो फिर अंदर जाके। से ही हम गायमुख आए तो पता चला यहाँ पे तो शादी चल रही है,
पता नहीं किसकी वेडिंग है, देखते हैं हम अंदर जाके, हम तो हमारे दर्शन वगैरह करेंगे। फाइनली पहुंच तो गए मंदिर, जगन्नाथ महादेव मंदिर में। तो यहाँ पे आके हम लोग सोचा संडे है तो आज इतना कुछ रश रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला यहाँ पे तो शादी है, तो शादी में खाना वगैरह भी बन रहा। पता नहीं अब गुजराती है, जैन है, कौन है, मैं भी जो भी हो, हमें तो मंदिर में दर्शन करना था। और पब्लिक भी अच्छी खासी है यहाँ पे भी, देखो कुछ यंगस्टर बैठे हुए हैं। ये मेन मंदिर है जगन्नाथ महादेव मंदिर, और ये यहाँ पे कुछ बाराती बैठे हैं जिनकी शादी वादी चल रही है। और ये ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है थाने का, यहाँ पे ये शेल का पेट्रोल पंप, ये सीधा सीधा थाना जा रहा है, और यहाँ से ऐसा वो सामने चौपाटी है। तो फाइनली उसने मुझे यहाँ पे वर्तक नगर पे छोड़ दिया, तो अभी मैं निकला ऑटो पकड़ के घर के लिए। तो अब सीधा यहाँ से घर ही जा रहा हूँ मैं। हम तो गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जैसे गए वहाँ पे कांड हो गया, वहाँ पे तो चल रही थी शादी, तो हमने दर्शन वगैरह किया और फिर सीधा वहाँ से थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया और फिर निकल गए। तो फिर उसने मुझे यहाँ पे छोड़ा शिवाई नगर को, शिवाई नगर से अभी सीधा ऑटो पकड़ के मैं सीधा जा रहा हूँ घर। अभी घर जाके मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगा, फिर शायद कल मॉर्निंग में 8 बजे तक तो पब्लिश कर दूँगा। तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो में भी पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। किसी को अगर ये गायमुक पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, बताए जय हिंद जय महाराष्ट्र। नहीं चाहिए पक्का केमिकल तुम्हारे ये सब चीजों में लगते हो, तुमको तो तुम केमिकल लग जाते हो, तुम जहर होते हो, तुम खा जाते हो मत आते। किसने बोला? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक भी कर रहा है? थोड़ा ना, ये मेरा हाथ नहीं है, थोड़ा इशू।